और गरियाबंद से है जहां पर नगर पालिका के सभा कक्ष में मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव को सिद्ध करने का तिथि निर्धारित के साथ ही सुबह 11 बजे से चुनाव अधिकारी एसडीएम और एडीएम के साथ सभी 15 पार्षद सभा कक्ष में प्रवेश कर वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और फैसला भाजपा के पक्ष में आया, जहां पर एक बार फिर गफ्फू मेमन की टीम को जीत हासिल हुई। गफ्फू मेमन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को धन्यवाद करता हूं, आप सभी मेरी ताकत हैं, हम पहले से ज़्यादा और अधिक ऊर्जा के साथ गरियाबंद के विकास के कार्य करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब मेरा साथ ऐसे ही देते रहेंगे, हम सब एक परिवार हैं और आज मेरी नहीं पूरे परिवार की जीत हुई है। आपको बता दें कि नगर पालिका में उपाध्यक्ष के प्रति कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने कलेक्टर को 24 नवंबर को ज्ञापन दिया गया था और उस अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत साबित करने 9 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया था। नगर पालिका गरियाबंद में उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का था, सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें जो है उनके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 और विपक्ष में 7 पड़े। इसी प्रकार जो है अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया, जो कि 8 मत कांग्रेस को पड़ा, 7 मत हमारे उपाध्यक्ष के पक्ष में पड़ा और फिर से पुनः उपाध्यक्ष की जीत हुई। ये अविश्वास प्रस्ताव निराधार था। पार्षद, मेरा मानना है कि पार्षदों की और गरियाबंद की जनता की इसमें मंजूरी नहीं थी। ऊपर के नेताओं के दबाव में, जो यहाँ के स्थानीय नेता भी नहीं हैं, उनके दबाव में के चलते यह काम किया गया था पार्षदों के द्वारा। कांग्रेस के पार्षदों द्वारा निराधार आरोप लगा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह कांग्रेस की हार हुई है, यह हार दलित विरोधी मानसिकता की हार है, यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, यह जीत नगरवासियों की जीत है, नगर में हो रहे विकास कार्यों की जीत है। निश्चित यह जीत 2023 में होने वाले विधानसभा के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।